हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आईफोन XR के ऊपर मैंने iOS 17 अपडेट इंस्टॉल किया था, जो मैं आपको एक बार फिर से आज मैं आपका इस रिव्यू करूंगा इस अपडेट का। जैसे कि गाइज आप देख सकते हो, ये है मेरे पास वाइट कलर में आईफोन XR। आईफोन XR में iOS 17 जो मैंने इंस्टॉल किया था, कई चीज़ों में तो आईफोन XR ने ब्लास्ट कर दिया है, बहुत ही ज़्यादा बेहतर परफॉर्म किया है। लेकिन दोस्तों, कई चीज़ों में आईफोन XR ने डिसअपॉइंटमेंट दिखाई है। वो सबसे पहले जो प्रॉब्लम है वो इस चीज़ में ये है कि आईफोन XR में जो स्टोरेज है iOS 17 के ऊपर, वो जो है इतनी ज़्यादा ऑक्यूपाइड हो गई है कि मेरी जो फाइल्स हैं वो कम से कम 10 GB की हैं, और आईफोन XR ने सिस्टम डेटा 50 GB का बना रखा है। जैसे कि ये भी आप देख सकते हो, सिस्टम डेटा 50 से भी ज़्यादा 54 GB का है। सो ये तो कमाल ही कर दिया आई बिलीव। सो मतलब डिसअपॉइंटमेंट यहाँ पर है कि थोड़ा सा इशू हो गया है, वरना आईफोन XR के ऊपर तो iOS 17 क्या स्टेबल चल रहा है। अब मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाऊंगा जो कि XR में नहीं आई हैं। वो सबसे पहले नए विजेट्स, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर न्यू इंटरेक्टिव विजेट्स देखने को मिलते हैं, जो कि म्यूज़िक ऐप में हम अपने सॉन्ग्स को प्ले और पॉज कर सकते हैं। अपने यहाँ पर न्यू कॉन्टैक्ट्स का विजेट सेट कर सकते हैं। यहाँ पर और चीज़ों कुछ दिखाऊँ तो यहाँ पर हमें स्टैंड बाय का ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि एक बढ़िया नाइट मोड में क्लॉक देखने को मिलती है हमें आईफोन XR में। मोर ओवर अगर मैं आपको और चीज़ें दिखाऊँ तो अनलिमिटेड फीचर्स आए हैं आईफोन XR में, जो मैं आपको ऑलरेडी मैंने वैसे इनके अनलिमिटेड फीचर्स के ऊपर वीडियो बना रखी है, लेकिन मैं आपको अगर इस वीडियो में थोड़ा और बताने की कोशिश करूँ तो सबसे पहले बात करते हैं एयर ड्रॉप की। एयर ड्रॉप हमें अब वाया इंटरनेट देखने को मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास बंदा कोई साथ में था जो कि हमारे दूसरे फ़ोन से शेयर करवाता था, तो हम जो है हम दोनों में से कोई भी एक बंदा फ़ोन लेकर दूर चला गया है, तो पहले क्या होता था कि फ़ोन का जो एयरड्रॉप का कनेक्शन था वो डिसकनेक्ट हो जाता था। अब जो है वो कनेक्टेड जो है अब जो है इंटरनेट के ज़रिए वो फाइल शेयर हो जाएगी। एयरड्रॉप जो है फाइल्स में कोई भी बीच में नहीं रहेगी। ये मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई ये चीज़। सेकंड जो आपके लिए काम की चीज़ है वो है लाइव वॉलपेपर्स, लाइव मोशन इन द वॉलपेपर्स। अगर हमारे पास कोई भी लाइव फ़ोटो है और अगर हम उन लाइव फ़ोटोज़ को एज अ वॉलपेपर सेट करना चाहें, तो हम बड़े आराम से उसको एज अ वॉलपेपर सेट कर सकते हैं लाइव मोशन में। सो ये जो चीज़ है, iOS 16 में लाइव वॉलपेपर्स को बंद कर दिया गया था और ये फिर से वापस आ गए हैं, जो कि मुझे पर्सनली चीज़ पसंद आई। ये काइंड ऑफ एक लाइव वॉलपेपर नहीं, लाइव मोशन फ़ोटो रहेगी। यहाँ पर आपको जो है ये जो छोटा सा बटन यहाँ पर देखने को मिलेगा लाइव फ़ोटो में। ओके, सो नेक्स्ट चीज़ों की बात करें तो यहाँ पर हमें जो है आई मैसेज में कंप्लीट नई UI देखने को मिली है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि आप देख सकते हो, जस्ट मैं आप देख सकते हो नीचे वाली साइड प्लस आइकन के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो ये जो बिल्कुल नई UI जो है वो बिल्कुल स्मूथ और मिनिमल सी लुक दे रही है। कैमरा, फोटो, स्टिकर, AI, और यहाँ पर चेक इन का नया ऑप्शन देखने को मिला है, जो कि XR में अवेलेबल नहीं है लेकिन दूसरे फ़ोन्स में है। ओके, सो और अगर आगे चीज़ों की बात करूँ तो यहाँ पर नई चीज़ जो है, XR में हमें वीडियो के केस में एक लेवलर देखने को मिलता है कि हमारा फ़ोन जो सीधा है या फिर थोड़ा टेढ़ा वगैरह है। ये आप लेवलर इसके अंदर चेक कर सकते हो। जो iOS 17 में नई चीज़ें आई हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। फ़ोटोज़ ऐप की बात करूँ तो अगर मेरे पास कोई फ़ोटो है तो उसकी एडिटिंग बिल्कुल ही थोड़े नए लुक की हो गई है। अब आप देख सकते हो इसके जो ये जो बटन्स हैं एडिटिंग के, इसको थोड़ा सा साइज़ जो है वो इन्हांस किया गया है iOS 17 में। ओके, सो और कुछ चीज़ों की बात करूँ तो iOS 17 का जो फोटोज़ एप्लीकेशन में हम एडिटिंग करते थे, उसके जो डन और कैंसिल बटन है वो ऊपर वाली साइड हो गए हैं। सो इस तरीके के जो छोटे छोटे फीचर्स हैं वो आए हैं इस फ़ोन में। और अब और फीचर्स की बात करूं तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट्स में हमें एक नई कॉलिंग स्क्रीन देखने को मिलेगी। जैसे कि अगर हमें किसी की कॉल वगैरह आती है तो हमें जो है नई कॉलिंग स्क्रीन देखने को मिलती है, जैसे कि कुछ इस तरीके की आप देख सकते हो। यहाँ पर नई कॉलिंग स्क्रीन में हमें डेप्थ इफेक्ट देखने को मिलता है, जो कि फ़ोटो के बैकग्राउंड में रहेगा। अब हम किसी पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट के लिए इमोजी सेट कर सकते हैं या फिर किसी की पर्सनल फ़ोटो सेट कर सकते हैं। ओके, सो अकॉर्डिंग टू दी UI या फ़ोटो की थीम, तो आपका जो ये जो टेक्स्ट होगा ये ऑटोमेटिक अपने हिसाब से आईफोन एडिट कर लेगा। तो ये जो चीज़ें हैं मुझे बहुत ही पसंद आई। नेक्स्ट चीज़ है वो फेस टाइम वीडियो कॉल्स में नई जो है, फेस टाइम वीडियो कॉल्स में लाइव वॉइस मेल का ऑप्शन है कि हम जो है वीडियो की वॉइस मेल सेंड कर सकते हैं किसी को भी। मोरओवर जो नए फीचर्स आए हैं वो कीबोर्ड में हैं, जैसे कि ट्रांसक्राइब करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम कुछ टाइप कर रहे हैं लाइन को, तो आईफोन ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके जो पेंडिंग लाइन रह गई है उसको कंप्लीट कर देगा।
ठीक है जी। तो इस तरीके के जो नए फीचर्स हैं वो iOS 17 में XR में देखने को मिलते हैं। स्टैंड बाई मोड जो है वो पर्सनली बहुत पसंद है और काफ़ी कमाल काम कर रहा है, बहुत खूब है। ओके सो कुछ इस तरीके के जो फीचर्स हैं वो आईफोन XR में हमें देखने को मिलते हैं। iOS 17 में भी बहुत सारे फीचर्स हैं, अगर मैं उनको गिनाना चाहूँ तो वो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सो इस वीडियो को यहाँ तक मैं एंड करने वाला हूँ, बस इसका थोड़ा सा और मैं आपको रिव्यू दे दूँ कि कैसे परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, लैग वगैरह बिल्कुल नहीं है XR में, बिल्कुल जैसी सेम परफॉर्मेंस थी वैसे ही XR में देखने को मिली। कोई एप्लीकेशन ओपनिंग स्पीड में कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है जी। बूटिंग स्पीड में कोई इशू नहीं है, हीटिंग इश्यूज नहीं आ रहे, बस मुझे प्रॉब्लम बैटरी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैटरी हेल्थ ड्रॉप नहीं हुई मेरी, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, स्टैंड बाय में बैटरी पड़ी पड़ी गिर रही है। 85 की 85 हेल्थ है मेरी, जब मैं रात को फ़ोन को चार्ज करके छोड़ता हूँ तो कम से कम जो है 20% बैटरी इसकी गिर जाती है सुबह उठ कर देखता हूँ तो। सो यही मुझे XR के लिए ड्रॉबैक देखने को मिला जो कि मुझे इस फ़ोन में है। और कभी कभी रैंडम एप्लीकेशन नॉट रिस्पॉन्डिंग का हमें ऑप्शन देखने को मिलता है, मतलब एप्लीकेशन खुद खुद ब खुद शट डाउन बंद हो जाती है और फ़ोन में बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। जो नई एप्लीकेशंस होंगी उनके डेवलपर नए iOS 17 के हिसाब से अपडेट सेंड करेंगे तो वो जो चीज़ है वो फिक्स हो जाएगी। सो दिस वॉज द वीडियो फॉर iPhone XR। आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।